गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पूर्व उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसमें ब्रह्म कमल के ऊपर आपको कुछ जानकारी प्रदान की। आज उसी क्रम में मैं आपको उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो कि मोनाल है, इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। मोनाल एक मादा पक्षी है और डफिया इसी प्रजाति का नर पक्षी है। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। हिमाचल का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। मोनाल का प्रिय आहार आलू है और यह फंसिनिडी परिवार का सदस्य है। मोनाल की मुख्यतः चार प्रजातियां पाई जाती हैं, इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी, लिएफोफोरस एंस। स्थानीय भाषा में मोनाल को मन्याल कहा जाता है। धन्यवाद। उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों में अगर हम राज चिन्ह की बात करते हैं जो कि एक गोलाकार मुद्रा के रूप में है और इसके ऊपरी भाग में तीन पर्वतों को दिखाया गया है। बीच का जो पर्वत है, बीच की जो श्रृंखला है, उसमें अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके निचले भाग में गंगा की चार लहरों को दर्शाया गया है और यह सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पशु जो कि कस्तूरी मृग है। इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर या क्राइसोगास्टर है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा इसके संरक्षण हेतु 1972 में कस्तूरी मृग विहार केदारनाथ वन्य जीव प्रभार के अंतर्गत की स्थापना की गई। 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में अस्कोट में अभ्यारण्य की स्थापना की गई और 1982 में कंचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य वृक्ष की। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। रोडोडेंड्रोन में रोडो का अर्थ होता है गुलाब और डेंड्रन का अर्थ होता है वृक्ष। कुमाऊनी गढ़वाली भाषा में बुरांस को बुरुंशी कहा जाता है। कश्मीर में इसको आर्डवाल कहा जाता है और हिमाचल में इसको बुरांसऊ कहा जाता है। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उत्तराखंड की राज्य तितली, इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा या हो सकता है आपको पहले से पता भी हो कि कॉमन पिकॉक उत्तराखंड की राज्य तितली है। इसका वैज्ञानिक नाम पपीलियो बियार है। उत्तराखंड राज्य तितली प्रतीक चिन्ह वाला दूसरा राज्य है। इससे पूर्व 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने ब्लू मोरोन को राज्य तितली का दर्जा दिया गया था। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में राज्य तितली कॉमन पिकॉक की घोषणा 7 नवंबर 2016 में इसकी घोषणा की गई थी। अगर इसकी कुछ विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो टिमरू नाम के पेड़ पर हमारी ये राज्य तितली जो कि कॉमन पिकॉक है अंडे देती है। इसके पंखों में पाया जाने वाला जो हरा नीला रंग है सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई देता है। उत्तराखंड के डिडीहाट में भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस को खोजा गया था। इसको गोल्डन बर्ड विंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र ढोल है। यह तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है। इसको राजकीय वाद्य यंत्र का दर्जा 2015 में दिया गया। इसकी बाएं पुड़ी पर बकरी की और दाएं पुड़ी पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है। अगर हम इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करते हैं
तो यह 2 से 2.5 फीट लंबी और 1.5 फीट ऊंची लकड़ी का एक बना हुआ खोल होता है। इसे बजाने वाले को बावनवीर, 1600 मसाण व गुरु धर्मीदास कहा जाता है। वह इसमें 22 तरह की ताल बजा सकता है।